टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्या है उनकी हिस्ट्री पढ़ो। हम अगर जवाब देंगे तो आप लोग उस जवाब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये जो जातिवादी कर रहे हैं इसको छोड़कर आप लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिए। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाने वाले सबसे बड़े आतंकवादी हैं ये लोग। कितने बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, कितने बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर फ्री राशन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोगों के बेरोज़गारी के ऊपर बात करो। जो लोग जातिवाद फैला रहे हैं वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। इसको नहीं हटाए तो हम अपने हाथों से हटाएंगे बोल रहे हैं। अगर तुम हटाएंगे तो उसका जवाब देना हमें बाखूबी आता है। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय मनियालिन ओपन बेड एसी एंड नॉन एसी लॉज वाईफाई कनेक्शन फैसिलिटी सेपरेट लॉकर 24/7 हॉट एंड कोल्ड वाटर डिलक्स स्टे एंड मच मोर एड्रेस सुपरमार्केट अपोजिट चेतन स्कूल गुलबर्गा। आज हमने पत्रिका भवन में एक मनीय पत्र दिया है जो कि हिंदू जागृति सेना टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ में स्टेटमेंट दिया था, उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए दलित सेना संगठन हमारे कायद हनुमंत जी अलसंगी साहब के नेतृत्व में हमने और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मंजुनाथ भंडारी सर के नेतृत्व में यहां पर एक मनीय पत्र दिया है। हम हिंदू जागृति सेना को वार्न करना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं। जो हिंदू जागृति सेना वहाँ पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का बोर्ड निकालने का जो अपील कर रहा है, हम उनको कहना चाहते हैं वहाँ पर बसवाना का बहुत बड़ा स्टैचू है, वहाँ पर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का भी जगह है, वहाँ पर हर कम्युनिटी का अपना अपना एक स्थान है जहाँ पर किसी को किसी के भी ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। कुछ गिने चुने पेड 4-5 लोग जाकर ये जो जातिवाद फैलाकर वहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को हम कामयाब होने नहीं देंगे। हमारे कायद हनुमंत जी अलसंगी साहब आप लोगों का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए वो एक ही शख्स काफ़ी है। और हम वहाँ के डिपार्टमेंट से भी ये अपील करते हैं जो कि ये लोग आकर माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लें और इनको इनकी जगह पर पहुंचाएं। इनकी जगह खुली जगह में इनको फिरने की ज़रूरत नहीं है, इनकी जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। जो लोग जातिवाद फैला रहे हैं वो सबसे बड़े आतंकवादी हैं। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा लगाने वाले सबसे बड़े आतंकवादी हैं ये लोग। जैसा कि ये लोग जहाँ कहीं भी गाय को पकड़ कर जो लेकर जा रहे हैं उनको पकड़ कर मार तोड़ कर, ये भी एक किस्म का जिहाद है, ये भी आतंकवादी हैं। तो हम लोग ये बोलना चाहते हैं आप लोगों को, हिस्ट्री पढ़ो, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह क्या है उनकी हिस्ट्री पढ़ो। फ्रीडम फाइटर है, उनको उन्होंने आज़ादी में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो आप लोग आज जो आज़ादी की सांस ले रहे हैं कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की वजह से आप लोग आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमें हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, हम उस संविधान का एहतराम करते हुए आप तक खामोश बैठे हैं। अगर हमारे को और एक अधिकार मिला है जो हमको बताए हैं, तलवार की भी हमारे पास आदत है, हमको चाहिए, हम चाहते हैं कि संविधान के दायरे में रहकर हम तुमको जवाब देना चाहते हैं। इसी पर आप लोग समझ जाइए, हम संविधान को हाथ में लेना नहीं चाहते तुम्हारी तरह। जहाँ भी जाकर अगर इसको नहीं हटाए तो हम अपने हाथों से हटाएंगे बोल रहे हैं। अगर तुम हटाएंगे तो उसका जवाब देना हमें बाखूबी आता है। हम अगर जवाब देंगे तो आप लोग उस जवाब को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग बाज आइए। ये जो जातिवादी कर रहे हैं इसको छोड़कर आप लोग डेवलपमेंट के ऊपर काम कीजिए, डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए। वहाँ पर कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है, कितने बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ पर फ्री राशन मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वहाँ के लोगों के बेरोज़गारी के ऊपर बात करो। वो सब छोड़कर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बातों में आकर जातिवादी फैलाकर आप लोग जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। हम दलित सेना संगठन इसका खंडन करता है और इसका जवाब आपको बाखूबी हम देना जानते हैं। हम यही कहना चाहते हैं आप लोग समझ जाइए, आप लोग जो रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता गलत है। आप लोग करना है आपको तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग जो ड्रग का काम चल रहा है गुलबर्गा में बहुत बड़ा, और जो गांजे का काम चल रहा है, जो लोग नशा मुक्त के लिए काम कीजिए, ये सब छोड़कर जातिवाद फैलाने का जो आप लोग काम कर रहे हैं हम इसका खंडन करते हैं। और हम कर्नाटका सरकार से ये अपील करते हैं, इन लोगों को काबू में लाइए,
इन लोगों को काबू में लाकर ये जो हो रहा है इसको रुकाइए। स्कूल वाले क्यों निकालेंगे? आज अगर ये लोग जाकर वहाँ पर निकालेंगे, अगर ये हिंदू जागृति सेना वाले वहाँ पर जाकर निकालेंगे तो हम उनको मुँह तोड़ जवाब देंगे। दलित सेना संगठन इनका मुँह तोड़ जवाब देने की काबिलियत रखता है। दो चार लोग जाकर कुछ माहौल को ख़राब करेंगे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इनको सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे। इवती दिवस गुलबर्गा जिले रटकल तालूकिन रटकल ग्राम हजरत टिप्पु सुल्तान कटे ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 2016 ಆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆಯವರು ಆ ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ಕೋ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದಲಿತ ಸೇನೆ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಾರ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಅದ? ಅವರು ಮೈಸೂರಿನ ಹುಲಿಯರ, ಅವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರರ. ಇವತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹಿಂದೂ ಜಾಗೃತಿ ಸೇನೆಯವರು. ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಾರ್ಯದಾಗ ಬಂದ್ರಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಕುಂದ್ರಲ್ಲ, ದಲಿತ ಸೇನೆಯವರು ಸುಮ್ಮ ಕುಂದ್ರಲ್ಲ. ವಾದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಯಾವುದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಮೌಢ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಂ ಯಾವುದೋ ದೇವ್ರದ, ಹಾಂ ಯಾವುದೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಅದ. ಅರೆ ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಮ ನಾಟಕ ಏನದ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಹರಾಮ್ ಕೋರ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಇದು ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು. ಬಿಡಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದಲಿತ ಸೇನೆಯವರು. ಹಾಂ ಇವತ್ತು ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲೆ ಅವಾರ್ಡದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದು, ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜಾಗ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಟೇಷನ್ ಅದ, ಫಾರಂ ನಂಬರ್ 11 ಅದ. ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಂತೇಳಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟದ, ಮತ್ತು ವಕ್ಸ್ ಬೋರ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಅದ. ಅದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮ ಕುಂದಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಭಂಡಾರಿ, ದಲಿತ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ.